ये एक सच है कि एनटीआर बोटो में वाईआरएफ स्पाइन यूनिवर्स के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। ये तो तारक और ऋतिक रोशन के साथ एक मल्टी स्टारर मूवी और इसमें जासूस के रूप में ऋतिक की वापसी हो। एनटीआर के कैरेक्टर डिटेल्स अभी सीक्रेट रखे गए हैं, लेकिन फैंस के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक नया खुलासा सामने आया है। अब जासूस यूनिवर्स में एनटीआर के किरदार को लेकर सारी उत्सुकता है। सभी को उम्मीद थी कि तारस को सीधे वॉर्ड 2 में पेश किया जाएगा, लेकिन अब बॉलीवुड में चर्चा है कि एनटीआर के किरदार को टाइगर 3 के अंत में भी पेश किया जाएगा, जो कि वॉर्ड 2 का मुख्य किरदार है। टाइगर 3 सलमान खान की टाइगर जिंदा है का सीक्वल है। ये इस साल के अंत में रिलीज होगी। वॉर एक एक्शन फिल्म थी, ऐसे में वॉर टाइटल इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऋतिक और टाइगर की इस फिल्म का नाम पहले वॉर की बजाय फाइटर था, हालांकि बाद में इसे बदल दिया गया था और ऋतिक अब फाइटर नाम की दूसरी फिल्म ला रहे हैं जो इरियल एक्शन पर बेस्ड होने वाली है। ऋतिक रोशन के पास जब वॉर की स्क्रिप्ट लाई गई थी तो उन्होंने इसके मेकर सिद्धार्थ आनंद और आदित्य रॉय कपूर के सामने ये शर्त रखी थी कि मैं तभी ये फिल्म करूंगा अगर टाइगर श्रॉफ फिल्म पे होंगे। इसी के बाद टाइगर को साइन किया गया था। ये दोनों के फैंस के लिए एक स्पेशल ट्रीट है। साथ ऋतिक और टाइगर को एक दूसरे के साथ काम करने में काफी मजा आया, तो वो शायद बोर्ड टू में ऋतिक ये शर्त रखना भूल गए। ऋतिक रोशन आठवीं बार साल 2006 में यश राज फिल्म्स की मूवी धूम 2 में नजर आए थे। 13 साल बाद उन्होंने वाईआरएफ के साथ वॉर में काम किया। वहीं टाइगर पहली बार इस फेमस प्रोडक्शन हाउस से जुड़े थे। वॉर में एक्शन सीन्स की भरमार थी। इसके लिए बॉलीवुड और कोरिया की दो इंटरनेशनल एक्शन कोरियोग्राफर्स को साइन किया गया था। बॉलीवुड से एंडी आर आर्मस्ट्रांग और साउथ कोरिया की मार्शल आर्ट्स एक्शन कोरियोग्राफर मिस्टर ओ इस फिल्म के लिए एक साथ आए थे। ऋतिक रोशन, सलमान खान और शाहरुख खान पहले से ही वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया है। देखना होगा कि वॉर 2 में एनटीआर की किस तरह की भूमिका होगी और उन्हें कैसे और कब पेश किया जाएगा। इस बीच एनटीआर कुरताला शिवा की देवरा की शूटिंग में काफी व्यस्त है। इस एक्शन एंटरटेनर में सैफ अली खान और जानवी कपूर भी नजर आएंगे, जिसका संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा तैयार किया जाएगा। तो फिलहाल आप हमें ये बताइए कि आप वॉर 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।